Hey guys, welcome back to GoPro India. काफी टाइम हो चुका है गाइस, आई कैन रियलाइज कम से कम भी नहीं तो 6 महीने मेरे को लगता है कि हो गए वीडियो मेरे बनाए हुए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लाया हूँ, एक ऐसी बेवरेज लाया हूँ, मजा ही आ जाएगा। उसके लिए बस एक प्री रिक्वेस्ट है, आपके पास या तो कोई वाइन बनी भी होनी चाहिए या फिर आप स्टोर से भी खरीद के वाइन को काम में ले सकते हैं। आज मेरे पास है स्ट्रॉबेरी वाइन और ये मैंने बनाई थी अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पहले, तो इसमें अल्कोहल भी होगी 12-13% और अच्छे से एज हो रही है जैसा आप देख सकते हैं पैकेजिंग। इसमें मैंने कॉर्क और फॉइल लगा रखी है, काफ़ी अच्छी एक बॉटल है, 375 ml की है। इससे अपन बनाएंगे मल्ड वाइन। तो मल्ड वाइन क्या होता है, मैं आपको एक बार बताऊँ कि जो बाहर का कल्चर है यूरोप में और यूएस में, वहाँ पे क्रिसमस बहुत ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है, जस्ट लाइक जैसे अपने दिवाली सेलिब्रेट होती है। और क्रिसमस में जो उनके मार्केट्स होते हैं, उन मार्केट्स के अंदर फेस्टिविटीज होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, केक्स होते हैं, साथ में मल्ड वाइन होती है। जैसे आप बहुत देसी एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, जैसे अपने कढ़ाई का दूध होता है जो रातों में मिलता है ठंडी जगहों में, जस्ट लाइक दैट ये कढ़ाई की वाइन आप मान लीजिए। तो इसको बनाने की थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट होती है कढ़ाई के दूध से, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा मेरे को कि कैसी लगी ये वीडियो। तो शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। जैसा मैंने बताया ये स्ट्रॉबेरी वाइन है, इसको अपन काम में लेंगे। ये सिनेमन स्टिक्स हैं जिसको अपन कहते हैं दालचीनी। उसके बाद अपने पास है स्टार एनीस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दूंगा वीडियो में, ठीक है। और स्टार एनीस के बाद आएगा क्लोव्स जिसको अपन कहते हैं लौंग। तो ये सब स्पाइसेस हैं अपने को जो चाहिए। स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा फ्रूटी बनाने के लिए जो सीजन है उसमें अच्छी एप्पल मिल जाएगी आपको, तो एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक स्लाइस आप डाल सकते हैं पर ग्लास में, अच्छा फ्लेवर आता है। आज शायद मैं एप्पल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो भी वाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं स्पाइसेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। मेरे पास हैं 2 मग्स और अब इसके अलावा अपने को एक पॉट कंटेनर चाहिए। कंटेनर के साथ इंडक्शन या कोई भी गैस में अपन इसको सिमर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज अब अपन वाइन बनाना शुरू करने वाले हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास हैं, मैंने आपको बता दिया था। अपने पास इंडक्शन पॉट भी है और इंडक्शन स्टोव भी है, बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक जने से मिलाना चाहता हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज तनिष्का एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मल्ड वाइन व्हिच इज रियली अ स्पेशल वन। सो डोंट व्हाट इट इज बीइंग कॉल्ड इन फ्रेंच, डू यू नो दैट इट्स वम शो। ओके, वी आर गोइंग टू मेक दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। शो सो इट्स हाई एक्साइटिंग, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको बॉटल अनबॉक्सिंग अनकॉर्किंग एक्सपीरियंस दिखाना चाहूंगा। ये फॉइल में लगानी मैंने शुरू करी थी, इसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ एक वीडियो लेकर आऊँ कि आप अपने वाइन को कैसे प्रोफेशनली पैक कर सकते हैं। और तो ये मैंने इसकी फॉइल हटा दी है और ये देख सकते हैं आप कॉर्क है इसके अंदर और ये मेरे पास कॉर्क ओपनर है। सो कॉर्क को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? C'est la corque and also wine bottle is la bouteille de vin. How special is that? When you go to France or in Europe, it's very special. Let's see. तो आज we are using 375 ml bottle because दो ही जने हैं। तो गाइज मैं इंडक्शन पे पॉट रखने वाला हूँ। पॉट में थोड़ा सा पानी है जिससे कि बेस जले नहीं, और जब तक ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, पानी वाइन से हमेशा 1/3 क्वांटिटी में रहेगा। अपन 375 ml वाइन यूज कर रहे हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90-100 ml पानी है। तो इसको मैं जब तक गर्म करता हूँ, जब फिर अपन कॉर्क खोलेंगे। Okay, c'est la casserole and this is the cuillère, which we say in French and I think it's typical one. Let's see, let's do that. I wanna do it. You wanna do it? Yeah. Go ahead. Sorry. Go ahead. So just twist it inside. Okay. हाँ, इस तरह से. Let's see what how the experience. थोड़ा सा press करके. और इसमें मैं पानी अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है सिमर होने लग गया है। गाइस रिमेम्बर, अपने को टेम्परेचर सिर्फ 60 डिग्रीज रखना है, मैक्सिमम 65 डिग्रीज, उसके ऊपर जाके अल्कोहल इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो मल्ड वाइन में फिर वो बेस जो एक वाइन का
फीलिंग होती है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी. तो आई विल स्टार्ट पोरिंग इट इनटू इट एंड यू कैन इफ यू वांट टू हैव अ स्निफ ऑफ इट. दैट्स वेरी नाइस. इट्स हेवी. C'est juste la goutte de la vin, un peu. So I'm just tasting it. It is also called the tasting ceremony in France and in Europe. It's very famous. It's très célèbre. Pour goûter la vin, c'est la vin pour la fête. Abhi, thodi si c'est incroyable. Taste. How was it? It was very tasty. It was say incroyable. When you say incredible in taste, incroyable. 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 Yes. Actually, I studied French. I studied it for 5 years. 5 years. So, guys, in this, I'm gonna add a small stick of cinnamon. And it's just that when it simmers, all these spices will infuse very well. And if you want to have a bit more stronger mulled wine, you can have a, let's say 30 ml or 50 ml of brandy as well. So there goes. It depends. It depends on your taste, basically. And there goes the cinnamon. And now we're gonna put star anise into it. Have you ever seen? Wow, say incredible. Again, this is called Etoile. Etoile is the stars only. And say like ale Etoile. Very nice. That's so cool. Regarding, that's very nice. So we're gonna put in it. Approximately 2 to 3 star anises are fine. We have done it. Yeah, that's fine. And with that, we're gonna add some cloves into it. Mm-hmm. How similar is that? See, English and French are so relative. Clove is also called clove in French. And actually, while speaking English, I forgot that the channel is in Hindi. So guys, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बताऊंगा. अभी मैंने इसमें दालचीनी डाली. दालचीनी अप्रोक्सीमेटली जो आपने स्टिक देखी उतनी काफी है. स्टार अनीस आपको किसी भी मसाले वाली दुकान पे मिल जाएगी. स्टार अनीस क्या होता है हिंदी? I'm sorry but मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ ना. तो और ये क्लोव्स हैं जिसको अपन लौंग बोलते हैं. अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्लोव्स आई थिंक सही है. क्लोव्स को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? And again, that's just very similar to English. बहुत ज़्यादा English और French similar हैं. Now we are going to move. थोड़ा सा stir कर देंगे इसको. Okay. जिससे और. Can I also try? Yeah, sure. Guys, इस वाली wine में मैं इस mulled wine में fruits नहीं डाल रहा. I think कि बिना fruits के wine ज़्यादा अच्छी रहेगी. Spicy wine में. And also, if you want, then what? We can add 1 slice of apple. We can add 1 slice of orange in this quantity. Orange, nice. इतनी क्वांटिटी में एक एप्पल का स्लाइस गोल वाला और एक ऑरेंज का गोल वाला स्लाइस काफी है. आई थिंक अपन वो 10 मिनट 15 मिनट जब सिमर होएगा उसी में डाल सकते हैं जिससे अच्छे से अच्छा फ्लेवर निकल के आए. स्ट्रॉबेरी एंड चेरी आई रिकमेंड आप डाल सकते हैं फॉर श्योर. बट एज टुडे वी आर यूजिंग स्ट्रॉबेरी वाइन. आज अपन स्ट्रॉबेरी वाइन अपन यूज कर रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर्स तो ऑलरेडी देयर ऑलरेडी उधर होंगे ही. और अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी वाइन कैसे मिल पाएगी क्या होगा तो आप स्टोर में जाके जो वाइन शॉप होती है उसमें कोई सी भी वाइन यूज कर सकते हैं. एक चीज का ध्यान रखिएगा मल्ड वाइन थोड़ी सी अच्छी लगती है जब वो मीठी होए. तब एक्चुअली पोर्ट वाइन भी यूज कर सकते हैं. पोर्ट वाइन वो होती है जिसको थोड़ा सा मीठा जानबूझ के रखा जाता है. जो फ्रूट्स है जो पैलेट जो ज्यादा फ्रूट्स को एक्सेप्ट करता है जस्ट फॉर देम. I think it is done. Yeah, it's almost done. So we'll just leave it for 10 minutes, as I said. तब तक वही simmer हो जाए, फिर we'll come back to the video. तो guys, अब ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये almost बन चुकी है. 10 से 15 मिनट हो चुके हैं. और एक बहुत ही distinct, बहुत ही अच्छी fragrance मेरे को इसमें से आ रही है. Can't wait to try it. Do you like it? The fragrance? Yes, it's so nice. तो guys, मैं इसको off कर देता हूँ एक बार. और ध्यान रखिएगा इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाना नहीं है. अपने को उसमें बॉइल बिल्कुल नहीं देनी. बॉइल देने का मतलब है कि इसकी अल्कोहल इवेपोरेट हो रही है. इसको मैंने बंद कर दिया है. नाउ आई जस्ट सर्व इट इनटू वाइन ग्लासेस से बेटर है कि मग्स में करें क्योंकि क्रिसमस ही फील है. वाइन ग्लासेस में प्रैक्टिकली देखा जाए तो ठंडी हो जाती है. तो राइट नाउ आई गॉट मग्स. नाउ आई हैव चोजन द पिंक वन. लेट्स सी. या
incredible. So for right now, we're just tasting it, and that's why I think these quantities are quite enough. And मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसा ये बना. And first you have to cheers it up. And how would you do that in French? Santé. Santé. तो मेरे को इसमें से स्टार एनीस की बहुत एक डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस आ रही है नोज पे. स्ट्रॉबेरी अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं कि द स्पाइसेस हैव ओवरटेकन हिम, बट अगर थोड़ा सा मेरे को लग रहेगा अगर मैं थोड़े ज्यादा देर के लिए स्ट्रॉबेरी माइंड के अंदर स्पाइसेस इंफ्यूज करूंगा तो हो सकता है कि स्पाइसेस बहुत स्ट्रांग हो जाए. बट 20 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम, 20 मिनट से ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको आप करें, क्योंकि फिर क्या है वो उसका थोड़ा सा वेपर की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट भी हो जाएगी माइंड. I think it is blended really very well and I can still have the essence of strawberry as well as the spices also. So I think it's a perfect fit for winters. It's a perfect fit for that. It's incredible. I really liked it. So guys, ये थी रेसिपी. अगर आप बनाना चाहते हैं मल्ड वाइन अपने घर में, आप जरूरी नहीं है स्ट्रॉबेरी वाइन आपको चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. और अगर आप बनाएं प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि वो कैसी लगी. और इनका यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा. So don't forget to check that out. And you can also follow me on Professor Tanishka. That is on Instagram. सारी links आपको सब नीचे मिल जाएंगी. आप उसको मेरे भी Instagram को guys follow कर लेना. तो सारी links आपको नीचे मिल जाएगी. आप देखिए. It was an incredible experience, guys. It's the first time कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ और Homebrew India के studio के अंदर मैंने इतना personal experience लिया, because मुझे कभी wine बनाना नहीं आता था. But I think इससे आपने कभी मेरे YouTube channel देखा ही नहीं. मैंने वहाँ पे बताया लोगों को कैसे बनती है. शायद Homebrew India का मौका मिल सकता है अगर आप इसके चैनल पे सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो. सो आई थिंक ये आपको जरूर बुलाएगा, राइट? व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल. Homebrew India इज अ रियली गुड चैनल आई थिंक, एंड वी गाइस लाइक अस जिसको कुछ नहीं आता था, शायद वी आर प्रिपेयरिंग इट एंड वी मेड इट. नहीं नहीं, यू डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट. बहुत अच्छे से सब बनाया. और ये मैंने और भी वाइन्स बनाई थी, मल्ट वाइन्स मैंने स्ट्रॉबेरी के अलावा क्रैनबेरी और रेड ग्रेप की भी बनाई थी, बट आई थिंक दिस वन इज रियली गुड एज वेल. तो गाइस आप बनाइए, और जब भी बनाए नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए ओके, चीयर्स चीयर्स.